आंवला नौमी की कथा सुनने के स्थाई चमत्कारी फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बहुत ही खास और शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस महापर्व को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ यह होता है कि जो कभी भी क्षय नहीं होती है, अर्थात अमृत के समान स्थायी फल देने वाली जो तिथि होती है उसे अक्षय तिथि कहा जाता है। जैसे वैशाख मास की अक्षय तृतीया, उसी प्रकार आंवला नवमी को भी अक्षय नवमी का रूप बताया गया है। भारत में यह जो है पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है और दक्षिण और पूर्व भारत में इस दिन जगद्धात्री पूजा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन अच्छे कार्य करने से अगले कई जन्म जन्मांतरों तक हमें इसका पुण्य फल मिलता रहेगा। इस दिन किया गया पुण्य अक्षय रहता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु जी एवं शिव जी वास करते हैं, इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद आंवले के वृक्ष के आसपास साफ सफाई करना चाहिए। साथ ही आंवले के पेड़ में दूध और जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, पुष्प भी अर्पित करना चाहिए, धूप दीप आदि वस्तुओं से आंवले के पेड़ की पूजन भी करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी या अक्षय नवमी उतनी ही शुभ है और उतनी ही फलदायी है जितनी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को हम मानते हैं। अक्षय तृतीया और आंवला नवमी दोनों ही समान पर्व बताए गए हैं। अक्षय तृतीया एक प्रकार का अबूझ मुहूर्त है, इसीलिए उसे अक्षय कहा गया है। जो कभी भी क्षय नहीं होता है ऐसे दिन को अक्षय कहा जाता है। और अक्षय नवमी के दिन यदि आप कोई भी काम करेंगे, नया काम करेंगे, शुभ काम करेंगे, मांगलिक कार्यक्रम करेंगे, तो वह कभी भी क्षय नहीं होगा, अर्थात उसका फल आपको निरंतर जो है स्थायी रूप से प्राप्त होता रहेगा। इस बार आंवला नवमी का जो महापर्व है वो 17 नवंबर 2018 शनिवार के दिन है। इस दिन आंवले के पेड़ का विशेष रूप से पूजन अर्चन अनिवार्य रूप से सभी को करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु जी केवल एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन साथ साथ आंवले के वृक्ष में आते हैं। और आंवला नवमी के दिन आपको पूजन सामग्री के रूप में फल, तुलसी के पत्ते, तुलसी का पौधा, कलश, जल, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल, नारियल, धूप बत्ती, अगरबत्ती और दीप, श्रृंगार का सामान, साड़ी ब्लाउज और दान के लिए अन्य वस्तुएं, अनाज आदि और भोजन सामग्री, पुष्पमाला और खुले पुष्प इत्यादि सामग्री एकत्रित करके आंवले के पेड़ का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा की जो है दिशा पूर्व दिशा रहती है। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके दाहिने हाथ में जल, चावल, पुष्प आदि लेकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस दिन एक समय भोजन का व्रत करना चाहिए। संकल्प के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करें और आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए सभी पितरों का नाम स्मरण करके उन्हें भी जलांजलि प्रदान करें। ऐसा करने से आपके सारे पितर तृप्त होते हैं और पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पितरों को जल दूध अर्पित करते हुए आंवले के वृक्ष में जल दूध अवश्य ही चढ़ाएं। फिर आंवले के वृक्ष की आरती उतारें। कपूर और घी के दीपक से आंवले के वृक्ष की आरती उतारना चाहिए। और पूजन संपन्न होने के बाद सभी महिलाएं जो है पेड़ की 7 परिक्रमा करें और सूत, कच्चा सूत उसके ऊपर लपेटना चाहिए। वैसे आंवले के वृक्ष की कोई 108 परिक्रमा करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और परिक्रमा समाप्त होने के बाद पेड़ के नीचे बैठ करके आंवला नवमी की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। वैसे तो इस आंवला नवमी की कथा को घर पर भी सुना जा सकता है या कहीं पर भी आप सुन सकते हैं। इन आंवले के पेड़ के नीचे यदि इस कथा को सुना जाएगा तो इसका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि इस परंपरा की शुरुआत माता महालक्ष्मी ने स्वयं की थी, तभी से आंवला नवमी की पूजा का और कथा का यह विधान लगातार चला आ रहा है।
हमारे पुराणों में एक कथा आती है। एक बार माता महालक्ष्मी पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। माता महालक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी एवं बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बिल्व पत्र या बिल्व फल भगवान शिव को प्रिय है। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मान करके माता लक्ष्मी ने आंवले वृक्ष की पूजा की और विधि विधान से वहां पर भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी की प्रार्थना की। पूजा से प्रसन्न होकर के उस आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु नारायण और भगवान भोलेनाथ शिव जी प्रकट हो गए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनवा करके और भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं ने भोजन ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, इसीलिए इस दिन को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। तभी से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। आंवला नवमी के संदर्भ में एक और पौराणिक कथा आती है। किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी था और उसकी पत्नी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उसे किसी ने कहा कि यदि वह संतान चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव को चढ़ानी होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। उसके पति ने मना कर दिया। चूंकि उसकी पत्नी को संतान की बहुत अधिक लालसा थी, इच्छा थी, इसलिए उसने पति से छुपा करके और अच्छे बुरे की परवाह किए बिना एक बच्चा चुरा करके उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। इसका गंभीर और दुष्प्रभाव यह हुआ कि व्यापारी की पत्नी को कई प्रकार के रोग हो गए और रोगों से पीड़ित हो गई। पत्नी की यह हालत देख करके व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा तो पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि के कारण उसकी यह हालत हो गई है। यह सुनकर के व्यापारी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन पत्नी की हालत से वह दुखी था, इसलिए उसने उपाय बताया कि वह इस पाप से मुक्ति के लिए गंगा स्नान करे और सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने कई दिनों तक यह किया। इससे प्रसन्न होकर के गंगा माता ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके सारे रोग शरीर के दूर हो जाएंगे यदि वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में व्रत रख करके आंवले के वृक्ष की पूजा करे, क्योंकि आंवले के वृक्ष में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों एक साथ निवास करते हैं। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान से आंवले के वृक्ष की आंवला नवमी के दिन पूजन की। इससे शीघ्र ही उसके सभी रोग और कष्ट दूर हो गए और उसे एक स्वस्थ एवं सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से महिलाएं सुख सौभाग्य रोग मुक्ति और उत्तम संतान सुख की प्राप्ति के लिए आंवला नवमी का व्रत लगातार करती है। इस प्रकार आंवला नवमी के व्रत के पूजन के प्रभाव से व्यापारी की जो पत्नी थी वह स्वस्थ हो गई और उसको संतान की प्राप्ति भी हो गई और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और इस लोक में सुख भोग करके अंत में उसको भगवान नारायण का वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आंवला नवमी से संबंधित एक अन्य कथा इस प्रकार आती है, जिसमें यह बताया गया है कि एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज सवा मन आंवले दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहु ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान क्यों करता है, इस प्रकार तो एक दिन उसका सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात को सुनकर के राजा को बहुत दुखी हुआ। बेटे की यह बात को सुनकर के उस राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा और उसकी रानी दोनों महल छोड़ करके बियाबान जंगल में जाकर के बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ उन्होंने खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका
प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी वहां पर लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी के कहने लगे, अर्थात राजा ने रानी से कहा कि रानी देख, कहते हैं सत्य को मत छोड़ो, सूरमा मत छोड़िया, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर नहीं मिलेगी। आओ स्नान करके आंवले का दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले का दान करके भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहु बेटे के बुरे दिन आ गए। उनका सारा राजपाट दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़ गए थे कि पिता ने भी उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोच करके रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था और हमारा धन सारा नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने किस स्थिति में होंगे, कहां पर होंगे। यह सोच करके बहू को रोना आने लगा और टप टप आंसू टपकने लगे, सास की पीठ पर आंसू गिरने लगे। रानी ने देखा कि ये जो है क्यों रो रही है और ये दासी की आंखों में से आंसू मेरी पीठ पर क्यों गिर रहे हैं। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर छोड़ करके कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सभी का सत रखना। इसी प्रकार जो है रानी और उनके बहु बेटे आंवला नौमी का व्रत पूजन अनुष्ठान करने लगे और प्रतिदिन आंवला दान कर ही भोजन करते थे। इसी प्रकार इस आंवला नौमी के अक्षय पुण्य प्रताप के कारण उनको जो है समस्त वैभव प्राप्त हुआ और सभी प्रकार से सुखी और संपन्न हो गए और अंत समय में वह वैकुंठ लोक को चले गए। आंवला नौमी के दिन किसी भी गरीब अथवा ब्राह्मण महिला को श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज का दान करना चाहिए, दक्षिणा भी देना चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अनाज का दान भी करना चाहिए। जो व्यक्ति आंवला नौमी या अक्षय नौमी का व्रत रखता है अथवा पूजा करता है उसे असीम फल की प्राप्ति होती है, उसका मन पवित्र होता है और जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। इसलिए उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने लक्ष्य को भली भांति समझता है। जो महिलाएं आंवला नौमी की पूजा करती है उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, वह दीर्घायु होता है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वह अपने वंश का नाम रोशन करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त इस पूजा से घर का वंश भी बढ़ता है। कहते हैं कि आंवला नौमी की पूजा करने से पति पत्नी के रिश्तों में सुधार आता है, अर्थात उनका रिश्ता बहुत ही प्रेममय और मधुर हो जाता है। दोनों के बीच में आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहता है और आंवला सेवन करने से, आंवला खाने से शरीर भी स्वस्थ होता है। आंवला नौमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना ही चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भोजन करते समय यदि आपकी थाली में आंवला गिरे या उसका पत्ता गिरे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि साक्षात लक्ष्मी नारायण आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न है और आपके घर में पूरे वर्ष सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी और वर्ष भर आपका उत्तम स्वास्थ्य बना रहेगा। अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को कहा जाता है। इस दिन द्वापर युग का आरंभ भी हुआ था। इसके अतिरिक्त इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक असुर का वध भी किया था।
तभी उसके रोम से कुष्मांड नामक बैल की उत्पत्ति हुई। इसलिए इस दिन कुष्मांड की बैल का या कुष्मांड के पौधे का दान भी किया जाता है, तो बेहतर परिणाम की प्राप्ति होती है। जो कोई व्यक्ति आंवला नवमी का व्रत रख करके आंवले के वृक्ष का विधिवत पूजन अर्चन करता है और आंवले का दान करता है, उसके जीवन में सभी प्रकार का सुख आता है, समृद्धि आती है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी भी नहीं रहती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, हमने जो आंवला नवमी की ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान लक्ष्मी नारायण का, माता महालक्ष्मी का नाम अवश्य ही लिख दीजिएगा, जिससे उनकी कृपा आपके ऊपर पूरे वर्ष बनी रहेगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।